Hey guys, welcome to Current Affairs Daily. So let's just go to the first slide. SMART program stands for Scope for Mainstreaming Ayurveda Research in Teaching Professionals. यो प्रोग्राम रो मेन ऑब्जेक्टिव होची जो आयुर्वेद अच्छी ताकू मेनली प्रमोट करिबा बा रिसर्च जो हमारा केते गुडा डिजीज अच्छी ता आयुर्वेद रे मेनली रिसर्च को प्रमोट करिबा बा ताकू इंसेंटिवाइज करिबा. That is the main objective. Launched by National Commission of Indian System for Medicines, NCISM, and Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, CCRAS, under Ministry of Ayush. Ayush Ministry amar achi. Okay. So, it is aimed to boost scientific research in priority healthcare research areas like iron deficiency, anemia, obesity, etc. through Ayurveda colleges and hospitals. It is jo kahuchi in teaching professionals means some in that means lecturers who are teaching or the teaching professionals who are teaching in Ayurveda colleges, okay, and hospitals. So semanko through re research program ko auri incentivize kariba ba promote kariba, that is the objective of SMART program. Okay, then next, SAIME initiative stands for Sustainable Aquaculture in Mangrove Ecosystem. This is a initiative, this is an initiative launched by the West Bengal government. A initiative through re jo Sundarbans ro jo mangrove forest achi. Mangrove mane ko guda ko jo guda ko eti definition bhi mu likhi deichi. Mangrove are vegetations that exist in intertidal zones. Intertidal zone mane samudra kula re mainly e guda ko thae. आउ से मेनलैंड जो थाए समुद्र कूल जो मेनलैंड थाए ताकु प्रोटेक्ट करे प्लस एमानंकर सॉइल इरोजन को बचेबार बहुत रोल थाए एमानंकर सॉइल इरोजन काहे कि ना जेहेतु माने बहुत माने इंट्रिगली उठी थांती माने पूरा पाखो पाखो हेकरी गछ गुडा को उठी थांती से माने सॉइल को जाबुडी धरंती तेनु जो समुद्र रो जो बारंबार आसेकरी पिटी हुए मेनलैंड रे से सॉइल इरोजन को ये रक्षा करंती. सो ये गोटे बेल्ट भाया होकर सुंदरबन एरिया थे जोटा कि बारंबार जितेबाद स्टर्म आसब ये सब जिनस हम साइक्लोन्स वगैरह हम हाई टाइड हम से फॉरेस्ट गुड़ाक नष्ट हो जाए. सो से रिस्टोर करने मान इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट हैज बीन लॉन्च्ड एटी से लगी. इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बेंगल अंडर व्हिच द फार्मर्स विल बी प्लांटिंग मैनग्रोव ट्रीज अराउंड श्रीम पंड. श्रीम माने जोटी चिंगुड़ी चाष हुए श्रीम पंड से सुंदरबन एरिया रे. इट इज ए होप फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मैनग्रोव इन सुंदरबन वेस्ट बंगाल. धीरे धीरे नष्ट हो जाए फॉर वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स तो ताको रिस्टोर करने सुंदरबन एरिया ने दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. ओके, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम माने एक्वाकल्चर माने जो चिंगुड़ी चाष हो. सो ता अराउंड जदि हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट रो गछ गुड़ा को लगे कि लगेबा हमें धीरे 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 मैनग्रोव फॉरेस्ट जो धीरे धीरे नष्ट हो जाउछि धीरे धीरे रेस्टोरेशन होबारे एटा हेल्प करिवो. ओके, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव. देन नेक्स्ट, ई एस सी आर प्रोजेक्ट दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट सिंस इट्स इनसेप्शन 1950 रु सुप्रीम कोर्ट जब आसला सेबेठू नहीं कि एपर्तंत जिते सारा जजमेंट अच्छे ऑन वेरियस केसेस सब गुड़ाक पब्लिक डोमेन रे अवेलेबल करने थ्रू इट्स वेबसाइट थ्रू इट्स मोबाइल आप थ्रू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड्स जजमेंट पोर्टल से सब जजमेंट्स गुड़ाक पब्लिकली अवेलेबल हो टू द लॉयर्स टू द जनरल पब्लिक टू द अदर जजेस ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया सो दैट से जितेबाद गोटे किसी कोर्टे कि फाइट चली कोर्टे कि केस रेफरेन्स दरकार पड़ा तो दे कैन इजिली रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. ओके, तो ई एस सी आर दैट इज कॉल्ड ई एस सी आर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एस सी आर. देन फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो. फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो एटा कौट या कोलकाता तैयारी अंडर हुगली रिवर मेनली इट विल कनेक्ट हावड़ा टू शियालदा. आउ एटी बेसिक किसी जानिया दरकार नहीं. इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन कोलकाता बाय 2023 एंड ऑफ 2023 द अंडर वाटर मेट्रो विल बी रेडी एंड कोलकाता मेट्रो इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया दैट इज अनदर यू नो फैक्ट रिलेटेड टू दिस. देन
आउट हूँ मेनली इट इज कनेक्टिंग हावड़ा टू सियालदा ए बेस कि ना एक्सप्लेन करने देन प्रजवाला चैलेंज प्रजवाला चैलेंज कौन लॉन्च्ड बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड यार ऑब्जेक्टिव हूँ टू गेट इनोवेटिव आइडियाज टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू वेरियस यू नो रूरल प्लेटफॉर्म रे आम जाकर कमी ट्रांसफॉर्मेशन आनी पार रूरल इकोनोमी रे बा रूरल एरिया रे जो जो प्रॉब्लम्स अच्छी जो जो गैप अच्छी ताकू फिल करने व्हाट न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड देयर एटा नॉर्मल लोक बा नॉर्मल पब्लिक को ठारु इनवाइट करा जीवो थ्रू प्रजवाला चैलेंज द एप्लीकेशन प्रोसेस सपोज आई हैव एन आइडिया आई कैन पुट इट देयर फ्रॉम 29 डिसेंबर 2022 टू 31 जनवरी 2023 से भितर माने आम जदि मोर कि आइडिया अच्छी जदि कहार किसी आइडिया अच्छी दे कैन पुट इट देयर देन देयर विल बी स्क्रीनिंग कमिटी से स्क्रीन कर स्क्रीन कर सारापर दोज आइडियाज और द सल्यूशंस जो मानकर बेटर लगे से मानू प्रॉपर सपोर्ट दिजाव जमी आइडिया पर काम करें एक्सपर्ट्स विल गिव देयर मेंटरशिप्स एंड केमी से गोटे स्केल करा एंड इट कैन बी स्प्रेडेड अक्रॉस डिफरेंट रूरल एरियाज से विषय सपोर्ट दिजा ओके एंड टॉप फाइव आइडियाज विल बी रिवार्डेड विथ 2 लाख रुपीज ईच 2 लाख रुपीज इंस्टेंटली दे विल गेट एंड दे विल गेट एक्सपर्टीज ऑफ एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड मेंटरशिप टुवर्ड्स स्केलिंग अप दैट सॉल्यूशंस टुवर्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन अराउंड डिफरेंट रूरल एरियाज ओके सो नेक्स्ट क्रोएशिया द न्यू मेंबर ऑफ यूरोजोन ता पूर्व आमको जाना पड़ो यूरोजोन कौन यूरोजोन हूँ जो यूरोपियन यूनियन अच्छी आमर यूरोपियन यूनियन रे देयर आर टोटल 27 कंट्रीज ओके सो यूरोजोन इज द जोन और से 27 कंट्री भितर 20 जन कंट्री अच्छे जो मानी यूरो इज द ओनली करेन्सी ऑफिशियल करेन्सी सो से मानक से 20 कंट्री को लेकिन आम से जो एरिया टाइम यूरोजोन बोली कहे सो क्रोएशिया व्हाट इट हैज डन इट हैज रिसेंटली discarded its own currency that is called kuna and it has adopted euro as its official currency and only legal tender hisab re euro ko se grahan karichi so tenu it became the part of eurozone and there is another term related to this fact that is schengen area mane combined total 27 jo countries are european union de they have a unified visa policy सेमाने पासपोर्ट सिस्टम को हटे देछंती बिकॉज़ सेमानकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर अछि सेटा को सेमाने बॉर्डर हिसाब रे मानु नांती सेठी गोटे यूनिफाइड वीजा सिस्टम अछि आ सेमानकर सिंगल ज्यूरिसडिक्शन अछि फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर एग्जांपल मो आपन को मैप रे देखेबी देखंतु एठी जर्मनी हेगला कि डेनमार्क हेगला कि पोलैंड हेगला दीज आर इंडिविजुअल कंट्रीज सेमानकर बॉर्डर भी रहिछि किंतु जेहेतु दे आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एटी लेथुनिया हेगला कि लैटविया हेगला स्वीडन हेगला फिनलैंड हेगला एटी देखंतु अच्छी ब्लू रे देखा होची क्रोएशिया सो क्रोएशिया वाज दो इट वाज यू नो यूरोपियन यूनियन रो हिस्सा नथिला अगर तो यूरोपियन यूनियन को जॉइन करी वर्तमान से यूरोजोन आउ सेंजेन एरिया जो अच्छी तंकर से इट बिकेम पार्ट ऑफ दैट बिकज एका सांगे दिस दिज आर टू माइल स्टोन्स यूरोपियन यूनियन पार्ट हबार बहुत सारा एडभांटेज भी अच्छी बिकज यू गेट स्ट्राटेजिक मिलिटरी सपोर्ट यू गेट इकोनोमिक कोऑपरेशन यू गेट लॉट ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटी माने सामान को ट्रेडिंग यूनियन टाइप अच्छी जदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने चाहते एनी यूरोपियन कंट्री सहित भी यू हाव टू टेक अप्रुवल फ्रॉम यूरोपियन यूनियंस यू नो अप्रुवल सो एठी दिस इज अ वेरी वेरी यू नो गुड स्टेप ऑन बिहाफ ऑफ क्रोएशिया क्रोएशिया जॉइन करी एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ यूरोजोन एंड एज वेल एज सेंजेन एरिया ओके 27 मेंबर रे 27 मेंबर जो एबे कहूची सो 27th मेंबर होची क्रोएशिया एंड 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन इज क्रोएशिया तो ये 4-5 फैक्ट आपन को मन रखिवार अछि फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोजोन कौन यूरोजोन इज द यूनियन ऑफ इंग्लिश टाइप पढ़ी दूसरी जो ओडिया कहली यूरोजोन इज द यूनियन ऑफ 20 मेंबर कंट्रीज आउट ऑफ
total 27 countries in European Union which have adopted euro as their common currency and the only legal tender. Euro jemti amaro rupiya achi karo dollar achi, so euro hochi European countries manakro. So European Union re Croatia bartaman kuna tar jo official currency thila aguru taku discard karke bartan it has taken up euro as official currency and only legal tender. So that is why it became part of Eurozone and Schengen area rabi part hegala because it is the 27th country je ki semanankara international jo tankara visa policy achi unified international visa policy ta policy under e achi it is a free fly zone mane apanankara au jo gote country ru out a country ku jiba pai jo passport requirement thila jo jehetu border cross hochi se jagar jo visa ro problems hothla सेठी आउ से प्रॉब्लम्स नहीं. यू कैन मूव अराउंड डिफरेंट कंट्रीज इन कंट्रीज अक्रॉस यूरोपियन यूनियन जो कंट्री जुड़ाक अच्छी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस माने वीजा रिस्ट्रिक्शंस. सो क्रोएशिया बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ यूरोजोन. दैट वाज द लास्ट करंट अफेयर फॉर टुडे. सो एटी आप मैप्रे भी रेफर करके देखिपर एटा साइट्रे भी अच्छी. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द next video. Until then, bye bye.